इस वक्त मैं आगरा के जीवनी मंडी में मौजूद हूं। आपको बता दें कि आगरा मंडल व्यापार संगठन द्वारा यहां एक फूड सेफ्टी को लेकर एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें इंडियन सोसाइटी ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल के जो कोऑर्डिनेटर हैं वो सब लोग यहां पर शामिल हुए हैं, और मेरे साथ में संस्था के लोग भी हैं जो इस कार्यक्रम का, आगरा मंडल व्यापार संगठन संस्था के लोग भी हैं। कार्यवाहक अध्यक्ष है मेरे साथ में बंसल साहब। बंसल साहब, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह का आपने ये प्रशिक्षण शिविर आयोजित करवाया है? हमारे संगठन में बहुत सारे ऐसे व्यापारी हैं जो अपने फूड वाले काम करते हैं, जैसे रेस्टोरेंट वाले, डेयरी वाले, और रेस्टोरेंट वाले, रेहड़ी वाले। तो ये जो आज के समय में जितनी बीमारियाँ फैल रही हैं, वो सारी बीमारियाँ हमारे खान पान और बैक्टीरिया की वजह से फैल रही हैं, तो हम इन चीज़ों को केयर नहीं कर पाते हैं। तो हम अपने व्यापारियों को इस संस्था के माध्यम से, अपने संगठन के माध्यम से ये प्रशिक्षण दे रहे हैं यहाँ पे, जिससे लोग अपने अपने खाने पीने के कारोबार को कैसे कर सकते हैं, इसमें क्या हम सेफ्टी कर सकते हैं, जिससे मतलब ये कीटाणु ना पनपे। और हम अगर इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, कम से कम सुरक्षा अपने हाथ में है, सुरक्षा कर सकते हैं। तो ऐसा एक प्रशिक्षण है संस्था के द्वारा, अपने संगठन के द्वारा हम व्यापारियों को मुहैया करा रहे हैं। स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति अगर कोई व्यापारी, आपका संगठन का सदस्य अगर कोई सजग नहीं दिखाई देता है, तो किस तरह से आप अपना उसको बताने का कार्य करेंगे? हम अपने अपने डेलीगेट, एक हमने टीम बनाई हुई है, 4-5 लोगों की व्यापारी टीम बनाई हुई है, उससे हम अपने व्यापारियों को संपर्क कर रहे हैं, बुलाया है हमने उनको, जो हमारे पास नहीं भी आ रहे हैं तो उनके पास जाके हम उनको अच्छे प्रशिक्षण के लिए इन्वाइट कर रहे हैं कि आप आएँ इस प्रशिक्षण में, प्रशिक्षण लें और अपने आपके अपने प्रोडक्ट को अच्छी तरह से बैठक करके लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकें हम। नाम क्या है? मेरा नाम है रिंकू अग्रवाल। रिंकू, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसका? मैं आगरा मंडल व्यापार संगठन का ऑफिस सेक्रेटरी हूँ, और मैं व्यापारियों से जो भी खान पान की वस्तुएं की बिक्री करते हैं, चाहे छोटे हों, चाहे बड़े हों, या रेस्टोरेंट वाले हों, उनसे अपील करना चाहता हूँ कि ये ट्रेनिंग जरूर लें, क्योंकि ये आपके बच्चों के भविष्य का सवाल है। क्योंकि अगर इस समय बीमारियों का चलन इतना बढ़ता चला जा रहा है, इसलिए अगर आप ट्रेनिंग लोगे, तो इससे मान के चलो बीमारियों के जो बैक्टीरिया पनपते हैं उनका रोकथाम हो सके, और बच्चों के भविष्य को अच्छी स्वास्थ्य और स्वास्थ्य सुरक्षा मिल सके उनको, और आगे भविष्य उनका उज्ज्वल हो, बच्चों का भी, बड़ों का भी, और बुजुर्ग लोगों का भी। क्योंकि खान पीन से ही हमारी पूरी का बॉडी का स्ट्रक्चर बना होता है, जिससे कि और आगे भविष्य में भी उनको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़े, तो अगर आप उस चीज़ को ध्यान में रखें। तमाम लोग, एक बंसल साहब, एक सवाल मेरा यह है कि तमाम लोग अपने लालच में, छोटे छोटे लालच में कहीं ना कहीं स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रखते हैं व्यापारी जी, और कलर्स और केमिकल का उपयोग करते हैं, और कहीं ना कहीं जो एक जनरेशन है आने वाली, उसको नुकसान होता है, तो उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं आपके माध्यम से अपने सारे व्यापारियों को एक मैसेज ज़रूर देना चाहता हूँ कि खान पान की चीज़ों में बहुत सारा अवेयरनेस रखें, हाइजेनिक हो जाएं। अगर गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया प्रशिक्षण सबके लिए लाभप्रद है, इसका सभी लोग फ़ायदा उठाएं। अगर ऐसा आज गवर्नमेंट प्रशिक्षण दे रही है जिसका कोई चार्ज नहीं है, और एक आपको सर्टिफिकेट भी दे रही है, और ये सर्टिफिकेट आपको लाइफ टाइम मिलेगा, और इस सर्टिफिकेट के व्याप पर ही सभी व्यापारियों के आगे आने मार्च के बाद में जो भी रजिस्ट्रेशन होंगे या रिन्यू होंगे, वो सर्टिफिकेट के व्याप पर ही होंगे। अगर ये सर्टिफिकेट लोगों के पास नहीं होगा तो उनके रिन्यू नहीं होंगे, नए लाइसेंस बनेंगे। तो आपके माध्यम से यही देना कहना चाहूँगा सभी व्यापारी भाइयों को, ये प्रशिक्षण जरूर लें, अपने आप को हाइजेनिक करें, जिससे आप और आपका परिवार और आपका समाज अभी सभी अच्छा हेल्दी रहे इस चीज़ के लिए। एक सवाल और मेरा, अगर इतने के बावजूद भी अवेयरनेस आप लोग चला रहे हैं, ये लोग लगे पड़े हुए हैं, आप लोग बोल रहे हैं, फिर भी अगर व्यापारी इस ओर ध्यान नहीं देता है, तो क्या आगरा मंडल व्यापार संगठन उसके साथ में खड़ा दिखेगा? नहीं, अगर स्वास्थ्य की बात करते हैं तो आगरा मंडल ऐसे व्यापारियों का कतई साथ में नहीं है जो अपने अपने परिवार, अपने समाज के बच्चों या अपने बड़ों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं है। और गवर्नमेंट की भी स्कीम है, अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो 25,000 से लेकर 3,00,000 तक का जुर्माना और 3 साल तक की कारावास की सज़ा भी है। इसमें कोई अपील और दलील नहीं चलेगी आगे से, ये बहुत ज़रूरी भी है। क्या कुछ दिखाने वाले हैं? जो व्यापारी होगा, व्यापारी गलत काम करेगा, आगरा मंडल की तरफ से कार्ड इशू किया गया है, जे आई कार्ड इशू किया गया है, और इसमें पीछे बैक में लिखा गया है, अगर कोई भी व्यापारी गलत कार्य करता है या किसी गलत मानक के अनुरूप नहीं चलता है, तो उसका संगठन किसी भी प्रकार से उसका सहयोग नहीं करेगा, जो हमारा कार्ड के पीछे लिखा हुआ है। आप जानकारी देने के लिए धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। तो आपको बता दें कि आगरा मंडल व्यापार संगठन द्वारा
यहाँ एक फूड सेफ्टी ट्रेनिंग का प्रशिक्षण शिविर अपने कार्यालय पर आयोजित करवाया है। तमाम यहाँ पर जो व्यापारी हैं, छोटे छोटे व्यापारी, बड़े व्यापारी, रेस्टोरेंट, होटल संचालित करने वाले, खाद्य सामग्री से रिलेटेड जो भी व्यापारी हैं, उन लोगों ने यहाँ प्रशिक्षण लिया है और इन्होंने साफ तौर पर बताया है कि ट्रेनिंग लीजिए, सर्टिफिकेट लीजिए, ये अनिवार्य है। फूड का सर्टिफिकेट ये लोग दे रहे हैं तो ये अनिवार्य है। उम्मीद यही करते हैं कि व्यापारी कहीं ना कहीं स्वच्छता के प्रति सजग रहेगा और इन लोगों की बातों को सुनकर एक समाज को बेहतर संदेश की ओर अग्रसर करेगा। कैमरे के पीछे योगेश बघेल, मैं करतार सिंह बघेल, आरती न्यूज़।